एवरीवन, दिस इज मी साबिया हियर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग, जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि कौन आ रहा है आपकी तरफ आपकी लव लाइफ में। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो, कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए है जो भी ये देख रहे हैं। सो जस्ट बी ओपन कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें मैच करती हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रिचार्ज करो ताकि आपका भी नॉन वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि कौन आ रहा है आपकी तरफ आपके लव लाइफ में और क्यों आ रहा है, क्या इंटेंशन है इस इंसान की आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर जो वो आपके साथ बनाएंगे। सो लेट्स सी कौन आ रहा है आपकी तरफ और क्यों आ रहा है, क्या इंटेंशन है उसकी। लेट्स फाइंड आउट। You have three of wands, queen of wands, page of cups. अच्छा, जो भी पर्सन है मुझे नहीं लगता कि रेडी है, प्रिपेयर है, रिसेप्टिव है, गिवर है लव को लेकर। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन आ रहा है और बहुत देर बाद आ रहा है, लेकिन ये रेडी नहीं है एक कमिटमेंट वाले रिलेशनशिप को लेकर। ये पर्सन काफ़ी हद तक नॉन कमिटल होगा। सो इसलिए अगर आप इस रिलेशनशिप में आते हो, इस इंसान से जब मिलते हो, क्योंकि ये आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप है, कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, तो मेजॉरिटी लोगों के लिए डेफिनेटली आप सिंगल हो। तो मुझे लगता है कि आपको भी अपने आप को इस रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा संभलना पड़ेगा, थोड़ा पॉजिटिव रहकर, पेशेंट रहकर चलना पड़ेगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि जो भी पर्सन है, ये एक चीज़ इसकी अच्छी होगी कि अपने अपने दिल की सुनने के लिए तैयार होंगे, लेकिन इनकी इंटेंशन ये नहीं होगी आपको लेकर या इस रिलेशनशिप को लेकर ये प्यार करना चाहते हैं आपको या आपके साथ कुछ सॉलिड लेकर चलना चाहते हैं। ये आपकी ज़िंदगी में एज अ नॉन कमिटल पर्सन ही एंटर होंगे, इसीलिए आपको चाहिए कि आप भी अपने आप को अपने इमोशंस को लेकर थोड़ा कंट्रोल करो। आप ऐसे कुछ लोग हो सकता है, ये एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ ये इसलिए भी हो सकती है आप ऐसे कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आप यू बैडली वॉन्ट टू बी इन अ रिलेशनशिप और कहीं ना कहीं आप पास्ट ट्रामा से हील नहीं किए हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो सकते हो इस इंसान के ऊपर और ये चीज़ आपके पर्सन को पुश अवे कर सकती है। सो इसीलिए आपको भी चाहिए कि आप थोड़ा अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चलो, जैसे कि ये पर्सन कर रहेंगे। मुझे लगता है कि ये दे विल बी वेरी हैप्पी काइंड ऑफ अ पर्सन। ये आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी ऐड नहीं कर रहा है, लेकिन जस्ट दैट कि पर्सन लव को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर उस तरह से नहीं सोच रहा है जैसे आप सोच रहे हो। आपकी नीडीनेस आ रही है रिलेशनशिप को लेकर, लव को लेकर, इस इंसान की तरफ से ऐसी एनर्जी नहीं होगी। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन तरसा हुआ नहीं है प्यार को लेकर, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी और इसकी एनर्जी में थोड़ा डिफरेंस है। आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप नीडीनेस में हो, आपका दिल कर रहा है कि आपकी लाइफ में कोई हो जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सको, इसलिए आपका चांस कि आप डिपेंडेंट हो जाओ अगले पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप जब भी पर्सन आपकी ज़िंदगी में आता है, इसके ऊपर हैविली डिपेंड करने की बजाय अपने ऊपर हैविली डिपेंड करो, अपने ऊपर काम करो, ताकि आप इस इंसान को लेकर क्रेजी मत हो जाओ। जो पास में मिस्टेक्स की हैं, जहाँ पर आप हैविली डिपेंड कर देते हो अपने ऊपर, अपने आप को दूसरे पर्सन के ऊपर, अपनी खुशी आप उससे कनेक्ट कर देते हो, अपना सारा कुछ जो आप डिज़ायर करते हो उससे कनेक्ट कर देते हो, वो मिस्टेक्स आपने नहीं करनी है। क्योंकि अगर आपने वो मिस्टेक की, जस्ट नो कि ये पर्सन पहले ही नॉन कमिटल है और आपकी इस तरह की एनर्जी के साथ भाग सकता है, दे कैन रन अवे फ्रॉम यू। सो ये पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ये पर्सन इस पर्सन की ज़िंदगी में ठहराव नहीं है राइट नाउ, इसीलिए इसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करना आपके लिए गलती होगी। जस्ट लेट दिस पर्सन बी कम अ फ्रेंड, इसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करो। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, कीप इट टू द फ्रेंड्स लिमिट और एक दूसरे को जानने, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। आप ऐसे काफ़ी सारे लोग मिस्टेक्स करेंगे, जहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक ये होगी आपका हैवीली डिपेंड करना इस इंसान के ऊपर और इस इंसान को पेडेस्टल पे रख देना, अपने ऊपर सर पे सजा देना इस इंसान को, वो आपने मिस्टेक नहीं करनी है। ये मिस्टेक आपकी लीड कर सकती है टुवर्ड्स द सेम आउटकम जो पास्ट रिलेशनशिप्स में रहे। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है ये अंडरस्टैंड करना कि जो भी पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ये फायर साइन हो सकता है, ये स्कॉर्पियो हो सकता है, कैंसर हो सकता है,
जेमिनाई हो सकता है, बट ये कमिटेड किस्म का इंसान नहीं होगा. सो इसलिए आप भी अपने आप को थोड़ा लाइट हार्टेड लेकर चलो इस रिलेशनशिप में. वी डू हैव द टावर, देन वी डू हैव द हाई प्रीस्ट. ये पर्सन आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी एंटर होने वाला है, बहुत जल्दी. व्हेन आई से बहुत जल्दी मीन्स कि एक दो दिन में एंटर हो सकता है ये पर्सन आपकी जिंदगी में. अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस में ये बंदा आपकी जिंदगी में आएगा, बंदा या बंदी जो भी है. और आपकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी इस इंसान के साथ, उसको लेकर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट होगे फॉर सम रीजन. या आपका पर्सन आपकी जिंदगी में आपके काम के थ्रू भी आ सकता है कुछ लोगों के लिए, या कुछ ऐसे अनहेल्थी सर्कमस्टांसेस में भी आ सकता है, जैसे आपको लेट मी टेक वन मोर कार्ड. ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो और तब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है. कोई ऐसी अनहेल्दी सर्कमस्टांसेस में ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर हो सकता है. जब आप अपनी ज़िंदगी में या तो अपने आपका कंपैरिजन अपने एक्स के साथ कर रहे होगे, या फिर आप अपना लाइफ का कंपैरिजन किसी और इंसान की लाइफ से कर रहे होगे, और ये कंपैरिजन जो है, ये जो थॉट प्रोसेस होगा ना आपका, जिसमें आप लो फील कर रहे हो, नेगेटिव फील कर रहे हो, लोगों को स्टॉक कर रहे हो, देख रहे हो कि उसकी ज़िंदगी में तो ये हो गया, मेरी ज़िंदगी में ये नहीं हो रहा. उस मोमेंट पे ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा. ये पर्सन आपको कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, डीएम कर सकता है. बट जो भी ये पर्सन है, इसकी एनर्जी काफ़ी लाइट हार्टेड होगी. इसकी एंटर होते साथ ही, जब से ही आपका इंट्रैक्शन होना है इस इंसान के साथ, आपकी ज़िंदगी में ये सारी जो नेगेटिविटी है, हैवी एनर्जी है, वो ख़त्म हो जाएगी. अब ये पर्सन आपको रियल लाइफ में भी मिल सकता है, काम के थ्रू मिल सकता है. आप किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आप थोड़े वॉरिड हो, लेकिन आप स्टॉक कर रहे हो किसी को, या आप किसी को स्टॉक कर रहे हो, या अपनी लाइफ का कंपेयर कर रहे हो किसी के साथ, जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा है. तो हो सकता है कि आप किसी कैफे में हो सकता है कहीं आप आउटडोर में हो, और वहाँ पे आप किसी कपल को देखो और आप फील करो कि मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है, एंड देन दिस पर्सन शोज आप. तो एक अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस में आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन आएगा, लेकिन ये बहुत जल्द एंटर होगा. मुझे नहीं लगता कि अगस्त से आगे ही जाएगा टाइम फ्रेम. अगस्त के महीने 8वां जो नंबर है, मुझे लग रहा है कि 8वां महीना काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा. तो अगर बिकॉज वी आर डूइंग दिस रीडिंग अराउंड द मिडल ऑफ द जुलाई मंथ, तो चांसेस हैं कि 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा. और मुझे लगता है, टू बी ऑनेस्ट, मेजॉरिटी लोगों के लिए 8 दिन मैक्सिमम लग सकते हैं इस इंसान को आपकी ज़िंदगी में आने में. लेकिन ये पर्सन जब आपकी ज़िंदगी में आएगा, एक चीज़ का ख्याल आपने लास्ट में रखना है कि आपने हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है इस इंसान के साथ. आपकी इस इंसान के साथ बहुत अच्छी कम्युनिकेशन होगी. चांसेस बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रांग है कि दिस पर्सन एंड्स अप टू बी योर स्पेसिफिक समवन, क्योंकि वी डू हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं दोनों यहाँ पर. तो चांसेस काफ़ी स्ट्रांग है कि आपका रिलेशनशिप फ्लरिश करेगा, नेक्स्ट लेवल पे जाएगा. बट हैविंग सेड दैट, ये बहुत ज़रूरी है जो आप मिस्टेक्स करते आए हो पास्ट में, वो मिस्टेक्स नहीं करो. इस दफ़ा आपने डिफरेंट रोल प्ले करना है अपनी लव लाइफ को लेकर. आप हमेशा बैगिंग एनर्जी में, चेजिंग एनर्जी में होते हो, इस दफ़ा आपको उल्टा करना है. और अगर उल्टा नहीं करोगे तो ये आउटकम ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आउटकम है वो उन लोगों के लिए होगा जो कि अपने आप को लाइट हार्टेड रख के चलेंगे. क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि पर्सन आपकी ज़िंदगी में तब आ रहा है जहाँ पर आप वॉरिड हो, लेकिन मुझे लगता है कि इस इंसान के आते साथ आप थोड़ा लाइट हार्टेड हो जाओगे. आप लोगों को स्टॉक कर रहे होगे कि मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हो रहा, एंड देन आपकी लाइफ में सडनली एक चेंज आएगा जहाँ पर आपकी लाइफ में भी कुछ अच्छा होने लगेगा. तो इसके आते साथ ही आपकी ज़िंदगी में एक लाइट हार्टेड एनर्जी आएगी. बट अगर आपकी ज़िंदगी में आप लाइट हार्टेड एनर्जी के आते साथ ही आप ऑब्सेसिवली ये सोचना शुरू कर दो कि ये आपका पर्सन है, तो आप फिर से वो बैगिंग स्टेट में चले जाओगे, फिर से आप वो नेगेटिव स्टेट में चले जाओगे. वो आपने नहीं होने देना है. आपने कोशिश करनी है कि आप अपने आप को स्ट्रेंथन अप रखो, पॉजिटिव रखो, कॉन्फिडेंट रखो, और अलाउ करो इस इंसान को कि ये आपकी तरफ एक्शन ले और आपको प्रूव करे अपने एक्शन से कि आप इसके लिए इंपॉर्टेंट हो. सो कुछ ऐसा सिचुएशन जो है वो मैं देख रही हूँ आपकी ज़िंदगी में, आपकी लव लाइफ में. और इंटेंशन इस इंसान की ये नहीं होगी कि आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहता है, लेकिन आप दोनों का कनेक्शन इतना अच्छा जेल करेगा कि स्लोली बट श्योरली आपका रिलेशनशिप स्ट्रेंथन अप होगा. आप ऐसे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप दोनों कुछ साथ नया स्टार्ट भी कर सकते हो. हो सकता है लाइक आई सेड के करियर के थ्रू आपको एक पर्सन मिल सकता है, हो सकता है कि आपका पैशन
पैशन जो है वो सेम हो सकता है कि आप कोलैबोरेट करो किसी चीज़ को लेकर, तो सोशल मीडिया के थ्रू भी आपको मिल सकता है, या ये पर्सन आपको ऐसी जगह से भी मिल सकता है जहाँ पर आप दोनों मिलकर किसी चीज़ को, किसी एक टारगेट को अचीव करने में लगो, तो उस तरह की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है. बट ये कनेक्शन आपका काफ़ी अच्छा जाएगा. वी डू हैव द टू ऑफ कप्स नेक्स्ट, तो मुझे लगता है कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते हो आने वाले टाइम में. वर्क रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, बट म्यूचुअल इंटरेस्ट रहेगा आपका एक दूसरे को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर. एट द सेम टाइम बहुत ज़रूरी है कि आप इस रिलेशनशिप को बैलेंस लेकर चलो. कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है बहुत ज़्यादा ओवर इंटरेस्टेड हो और पर्सन नहीं है. आपको अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करना है. जैसे ये पर्सन, मुझे लगता है कि आपको पर्पजली करना पड़ेगा, और ये पर्सन जो है बाय डिफॉल्ट ऐसा है, उसको इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना किसी के साथ. नॉट दैट कि वो पर्सन अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, मुझे लग रहा है कि इट्स द वे दे आर. थोड़ा फ्लर्टेशियस हो सकते हैं, थोड़ा फन लविंग हो सकते हैं, थोड़ा नॉन सीरियस हो सकते हैं, एंड दैट्स हाउ दे आर. आपको आपके अंदर इमोशनल जो है लव कह लो या प्यार इतना ज़्यादा है कि आपको आपको वो प्यार देना है, लेकिन ये पर्सन आपके ओवरवेलमिंग प्यार से पुशअवे हो सकता है कुछ लोगों के लिए. सो इसलिए कोशिश करो कि ओवरवेलमिंग प्यार इसको दो मत जब तक ये मांगे नहीं, जब तक ये डिमांड ना करे उस प्यार की, ताकि आपका ये रिलेशनशिप जो है वो बैलेंस रह सके और इस दफ़ा आपकी लव लाइफ में वो सब नहीं हो जो पास्ट में होता आया है. सो दैट्स व्हाट आई सी कमिंग थ्रू फॉर यू. साइंस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फायर साइन काफ़ी सिग्निफिकेंट है यहाँ पर. ऊपर से ये जो महीना है अगस्त का वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है. सो या अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिला हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. एंड डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट एंड लेट अस नो कि क्या होता है आपकी ज़िंदगी में जब डेढ़ महीना तक गुजर जाएगा. तो डू कम बैक एंड लेट अस नो कि ऐसा कुछ हुआ आपकी ज़िंदगी में या नहीं. और क्या, टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, टेक केयर, और डोंट फॉरगेट टू क्लेम दिस एनर्जी टू. सो बाय.